ECAT के हवाले से हम इंटीग्रेशन पे बात कर रहे थे और इस पर्टिकुलर टॉपिक लेक्चर में हम कवर करेंगे सम यूजफुल रिजल्ट्स इन इंटीग्रेशन, यानी कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रिजल्ट्स हैं इंटीग्रेशन के अंदर जो कि हमें एमसीक्यूज को बहुत क्विकली और टाइम सेव करते हुए हेल्प करने में या सॉल्व करने में मदद करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है, अगर मैं उसको यहाँ पे थ्रो करूँ, तो वो है जी द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल 1 प्लस कोसाइन ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स डीएक्स इज व्हाट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। अब ये सवाल जो है इसमें आप देखें ना, पे हम कुछ सब्सटीट्यूशन उस तरह से कर रहे हैं जैसे हमने प्रीवियस हाइपरबोलिक फंक्शंस में देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा, लेकिन इसमें हमें एक बात समझ आ रही है कि जो गिवन फंक्शन है डिनोमिनेटर में, दिस इज द वन फंक्शन, इसको वन फंक्शन कंसिडर करें विच इज एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और सपोज करें कि ये यू के इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसका डिफरेंशियल डिफरेंशियल ले लें, डी यू इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स वन प्लस साइन एक्स का क्या होता है कॉज एक्स, तो वन प्लस कॉज एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब आप देखें कि मैं यहां पे वैल्यू सब्सिट्यूट करता हूं, वन प्लस कॉज एक्स डी एक्स दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी यू, डी यू एंड डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स प्लस साइन एक्स किसके इक्वल है, ये तो है यू के इक्वल, ठीक है। और अगर इसका मैं इंटीग्रल ले लू, ठीक है, दैट मीन्स के वन ओवर यू का इंटीग्रल ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू डी यू, और ये बात हम जानते हैं कि अगर मैं डेरिवेटिव ले लू, डेरिवेटिव ले लू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो वो किसके इक्वल होता है वन ओवर एक्स के इक्वल होता है, या यूं समझ लें कि अगर मैं डेरिवेटिव ले लू डी बाय डी यू, डी बाय डी यू ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ यू का, तो वो किसके इक्वल होगा वन ओवर यू के। अब अगर आप रिवर्स में जाएं, अब अगर मैं वन ओवर यू का इंटीग्रल ले लूं, तो वो किसके इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ यू के, तो लिहाजा वन ओवर यू किसके इक्वल हो गया नेचुरल लॉग ऑफ यू के इक्वल। यहां पे मैं सब्सटीट्यूट करा देता हूं नेचुरल लॉग ऑफ यू, नेचुरल लॉग ऑफ यू एंड व्हाट इज यू इक्वल टू एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये अगर आप देखें अवेलेबल ऑप्शन में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, अब नेचुरल लॉग चूंकि हम नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेते, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आते हैं, एब्सोल्यूट जो कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देगा, तो लिहाजा माय ऑप्शन, मेरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो मेरे पास फर्स्ट आंसर में यानी ए ऑप्शन ही आ गया, सो ए इज द बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो ये जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है यानी रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि अगर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और न्यूमरेटर में उसका डी एक्स के साथ अगर डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स के साथ मौजूद है, और इसका अगर आप इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो इस केस में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ द गिवन फंक्शन इन द डिनोमिनेटर एंड प्लस कॉन्स्टेंट। और यही हमने किया कि एक्स प्लस साइन एक्स का जो डेरिवेटिव था वन प्लस कॉज एक्स था, मैंने क्या किया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स यानी लोअर फंक्शन का नेचुरल लॉग जो कि डिनोमिनेटर है, दिस इज द गिवन फंक्शन, ये डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसी तरह का एक रिजल्ट हमारे पास और भी है, सवाल है जी द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल टेंजेंट स्क्वायर वाई सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई इज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है कि क्या यहां पे मैं पावर फॉर्मूला अप्लाई करा सकता हूं टेंजेंट स्क्वायर वाई का, मैं पावर फॉर्मूला तब अप्लाई करा सकता हूं कि अगर इंटीग्रल में मैं टेंजेंट वाई को या टेंजेंट वाई टेंजेंट स्क्वायर वाई को एक फंक्शन मान लूं, दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब अगर डी वाई के साथ, डी वाई के साथ इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स मौजूद हो, तो मैं एफ ऑफ एक्स के ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, पावर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, पावर फॉर्मूला फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड। यानी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे दूं, वो एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे जैसे अगर आप देखें तो आई कैन से कि अगर इंटीग्रल मैंने मुझे लेना है जो जो साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स का, जबकि साथ जो है वो कॉज एक्स मौजूद है,
ठीक है, डी एक्स के साथ, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा, साइन साइन की पावर वन है, तो साइन वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन, जो कि बन जाता है साइन स्क्वेयर एक्स ओवर टू। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट है यहां पे कि टेंजेंट स्क्वेयर वाई यानी स्क्वेयर में है। अब मुझे ये देखना है कि क्या यहां पे मैं क्या डी वाई के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको मैं टेस्ट करने के लिए यूं लिख लेता हूं। देखें, आप सपोज कर ले टेंजेंट वाई जो है वो इक्वल टू है यू के, किसके यू के, तो ये बन जाएगा टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू। आप सब्स्टिट्यूशन करा लें, इंटीग्रल इंटीग्रल साइन टेंजेंट वाई किसके इक्वल है यू, तो यू का स्क्वेयर और डी सीकेंट स्क्वेयर वाई डी वाई किसके इक्वल है डी यू के इक्वल। तो दिस इज व्हाट वी डू, पावर फॉर्मूला यू की पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। तो यू क्या है, यू तो है टेंजेंट वाई, तो टेंजेंट वाई क्यूब ओवर थ्री प्लस सी, विच इज एन ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द राइट आंसर। अनदर फॉर्मूला जो हमने अभी हमने पढ़ा है वो क्या है कि अगर हमारे पास गिवन फंक्शन हो और गिवन फंक्शन में जो डिफरेंशियल है जिसके साथ आप उसको जिसके मुताबिक आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी गिवन फंक्शन का अगर एफ ऑफ एक्स का साथ एफ प्राइम ऑफ एक्स डी वाई के साथ मौजूद है, तो वी कैन अप्लाई पावर फॉर्मूला ऑन एफ ऑफ एक्स, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जी, ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स व्हाट। अब ये भी बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोना टेक लॉट ऑफ टाइम। ये इंटीग्रेशन साइन भी हमने यहाँ पे मिस किया टाइप करते वक्त, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब ये जो फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, एक तो ये है कि आप इसको रिग्रेस मेथड से सॉल्व करें, दूसरा ये है कि हमने जो रूल है, व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्सपोनेंशियल के साथ यानी ई टू द पावर ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स हो, यानी कोई भी फंक्शन हो, और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो जब आप इसकी यानी डीएक्स जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, ई टू द पावर ऑफ एक्स विद जस्ट एफ ऑफ एक्स, विद जस्ट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर केस में देखें, सो ई टू द पावर ऑफ एक्स इज दिस इज एक्स, दिस इज फंक्शन एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप गिवन फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के साथ अगर आप ई एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, ये दोनों सम एंड देन ई एक्स प्रोडक्ट में अगर आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो यू गेट दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग। तो वो कौन सी ऑप्शन है, ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू टू एक्स, नहीं, ये है बेसिकली ई टू द पावर ऑफ एक्स विद एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो कि गलत है, ऑप्शन नहीं हो सकती। इसको देखें तो ये फंक्शन माइनस उसके डेरिवेटिव है, ये भी नहीं हो सकता, नन भी नन। क्या आप चेक कर लें बी, अगर आप देखें तो गिवन फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स और साथ साथ क्या है, ई टू द पावर ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है हमने यही बात की थी, ई टू द पावर ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स। सो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये भी रिजल्ट आपने याद रखना है, जब भी आप इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन को देखें ई एक्स के साथ, अगर वो ई एक्स टाइम्स गिवन फंक्शन और प्लस उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप गिवन फंक्शन टाइम्स ई टू द पावर ऑफ एक्स लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो कुछ इस तरह से है जी कि अगर ई टू द पावर ऑफ टू एक्स यानी एनी पावर ऑफ एक्स, यहाँ पे पार थ्री हो सकती है, पार एन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या इन जनरल कर लें ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, चलें ई टू द पावर ऑफ टू एक्स टाइम्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स वॉट। अब चार ऑप्शन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट गोना टेक लॉट ऑफ टाइम, यानी आपका काफी टाइम ले लेगा। इसके लिए जो शॉर्टकट है, व्हाट इज द शॉर्टकट, वो ये है कि आप सबसे पहले चेक करें कि ई टू द पावर ऑफ टू एक्स के साथ जो गिवन फंक्शन है, दिस इज द गिवन फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है, वेर दिस इज ए इज टू इज कॉन्स्टेंट। अब टू का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, एनीथिंग यू नो, कुछ भी हो सकता है, बट अगर यहाँ पे
3 होगा तो फिर यहां पे 3 होगा, यहां पे 4 होगा, यहां पे 4 होगा, यहां पे 5 होगा, यहां पे 5 होगा. सो इन जनरल आई कैन राइट, इन जनरल आई कैन राइट कि अगर e टू द पावर ऑफ ए एक्स, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, ठीक है, टाइम्स ए विद गिवन एनी गिवन फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन गिवन हो, जो कि अगर आप देखें तो यहां पे आपको यही सूरत हाल नजर आ रही है. दिस इज ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, वेर दिस इज ए एंड दिस इज ए, दिस टू आर इक्वल. ए टाइम्स यानी कोफिशियंट टाइम्स फंक्शन ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस दिस इज द 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. अगर इस तरह से सिचुएशन हो तो इसका जो इसका इंटीग्रल होगा इस तरह के फंक्शन का, वो हमेशा याद रखें वो क्या होगा, e टू द पावर ऑफ ए एक्स टाइम्स सिर्फ एफ ऑफ एक्स. बस अब अगर आप देखें तो इसका मतलब है इस फार्मूला के तहत जो इसका डेरिवेटिव बनता है वो बनता है e टू द पावर ऑफ 2x और गिवन फंक्शन क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर ऑफ 2x. ये है 2x स्क्वायर टू e टू द पावर ऑफ 2x, ये नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज इसमें 2 f of x times e to the power of ax है जो कि गलत है. इसको देखें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. गो फॉर ऑप्शन नंबर सी वेयर f x x square is f of x और साथ क्या है e to the power of ax where a is 2. तो इसका मतलब है सी इज द राइट आंसर, सो आई विल पिक सी. अगर आप इसको बेशक मल्टीप्लाई करा लें, यानी अगर आप बाय पार्ट्स, मल्टीप्लीकेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट करें दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x इज योर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड e टू द पावर ऑफ 2x इज योर सेकंड फंक्शन. तो आप इनको मल्टीप्लाई करा लें फिर भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा, x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ 2x, जिसमें आप देखेंगे दिस फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड. इस फॉर्मूला के तहत आप इसको सॉल्व करते जाएंगे एंड इवेंचुअली यू विल रीच एट दिस आंसर व्हिच इज x स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर ऑफ 2x. लेकिन उस लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने के बजाय जो मैंने आपको मेथड बताया, अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत जल्दी जो है इस इंटीग्रेशन को या इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको दो बहुत और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स इंटीग्रेशन के अंदर जो कि आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में, यू नो एमसीक्यूज, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज इस फॉर्मेट में गिवन हो, यानी इंटीग्रल ऑफ व्हाट, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स टाइम्स कॉस बी एक्स डी एक्स. अगर कोई चीज इस फॉर्मेट में गिवन हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे. अब ये भी एक लेंथी प्रोसेस है अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, बट आई विल ऑलवेज एनकरेज कि आप सिंपल इसका शॉर्टेस्ट वे करें, विच इज क्या है, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स एज इट इज, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स एज इट इज आ जाएगा टाइम्स, देखें ए कोसाइन ऑफ बी बी एक्स और प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स, बी साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय, इसको थ्रू आउट डिवाइड करा देंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप देख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सम कांस्टेंट सी. तो आप देखें मीन के अगर आप यहां पे ए की जगह अगर यहां पे टू हो तो हर जगह जहां पे ए है वहां पे टू आ जाएगा, यहां पे टू आ जाएगा, यहां पे टू आ जाएगा, इस तरह से टू का स्क्वायर विच इज फोर, ठीक है. बी अगर थ्री है तो यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 3 होगा और यहां पे 3 का स्क्वायर 9. सो यू गॉट दिस थिंग. अगर आप इसको किसी भी फंक्शन के लिए किसी तरह का भी एमसीक्यू आपके पास आ जाएगा, आप इसको शॉर्ट हैंड के अंदर आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज अगर आप खुद से सॉल्व करते जैसे मैंने पहले बताया तो इट्स गोना टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. तो आई विल ऑलवेज एनकरेज कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, उससे आपके पास रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी और बहुत क्लियर, आई मीन बहुत शॉर्ट टाइम के आपके शॉर्ट टाइम के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. इसी तरह से अगर कॉस बी एक्स की जगह साइन बी एक्स हो, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, अब ये एज इट इज है लेकिन कॉस बी एक्स की जगह क्या है साइन बी एक्स, या इसी फॉर्मेट के अंदर कोई भी हमारे पास इंटेग्रल मौजूद है तो उसका इंटेग्रल कैसे होगा, देखिए ई टू द पावर ऑफ ई ए एक्स, ई टू द पावर ऑफ ई एक्स इज सेम दोनों में, ठीक है, दोनों में ये चीज सेम होगी. उसके बाद जब यहां पे cos था, cos bx था,
तो ए टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स आया। अब यहां पे चूंकि साइन बी एक्स है तो ए टाइम्स ऑफ साइन बी एक्स है, ए टाइम्स ऑफ साइन बी एक्स। ठीक है, इसमें प्लस साइन था बट इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, एंड बी कॉस बी एक्स, वहां पे बी साइन बी एक्स था, यहां पे अब क्या हो जाएगा, बी कॉस बी एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, अगर आप इसको याद रखना चाह रहे हैं तो डिफरेंस बहुत माइन्यूट है। डिफरेंस क्या है कि इफ देयर इज कॉस बी एक्स तो उस केस में यहां पे आ जाएगा ए कॉस, यानी ए टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स, बाकी सब चीज सेम है। एक चेंज यहां पे आ रही है ए टाइम्स कॉस बी एक्स और एक साइन के अंदर, और प्लस अगर यहां पे कॉस बी एक्स हो तो यहां पे आएगा बी साइन बी एक्स, और अगर यहां पे साइन बी एक्स हो तो यहां पे आएगा बी कॉस बी एक्स। नेगेटिव साइन साइन के अंदर आ जाएगा और यहां पे ए साइन बी एक्स आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म होगी ई एक्स के साथ, जो फर्स्ट टर्म होगी वो वही होगी, यानी ए टाइम्स ऑफ टर्म होगी जो के जिसमें इंटीग्रल जो सेकंड फंक्शन के तौर पे आ रही है इंटीग्रल के अंदर, और जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी वो उसका ऑपोजिट, यानी अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे बी साइन बी एक्स, और यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे बी कॉस बी एक्स। बाकी टर्म बाकी जो है फॉर्मूला सेम है। अगर आप इसको माइंड में रख लेंगे, इसको अगर आप ब्रेन में रखते हैं, तो आपको बड़े बड़े एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दुश्वारी नहीं होगी और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उसको सॉल्व कर जाएंगे।